मुकाबला। आइए आप सभी का स्वागत है। जितू मरारी आएंगे, पहला रेड सिंदरी पाली को मिला है, देखना होगा क्या लाजवाब खेल। हालांकि ओपनिंग रेड है, राइट के प्रकार की ओर छूने का प्रयास, हालांकि कहर की खिलाड़ी को पीछे धकेलते हुए बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में घर को खींचने का प्रयास, और बिना अंक लेकर अपने पाले में। और पृथ्वीपाल वो धासु खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी, दो नंबर जैसी में। और बोनस अटेम्प्ट किया गया है, और निश्चित तौर पर बोनस उनका साफ सुथरा। फिर चले छोटू, 9 मिनट 12 सेकंड का खेल होने से लीमागढ़ एक सिंदरीपाली खाता खोलना होगा। सुपर टेकल में सावन शॉटों के द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा दोनों टीम के लिए। लगातार स्ट्रगल में सेकंड, और काना इनके खिलाड़ी जब पृथ्वीपाल जैसे रेडर के लिए आप अपनी मिड लाइन से आगे आएंगे, और ये कर्कस की आवाज कभी कभी अटपटा लगता है, भोंकू की आवाज, करो मरो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, और उसमें महेंद्र भाई क्या करेंगे वो ही जानेंगे। और दो बड़ी बात, और दोनों कॉर्नर की जुगलबंदी को ध्वस्त करते हुए महेंद्र पाल, उनकी हौसला आसमानों में। दो की स्थिति बनती हुई, अभी भी 8 मिनट 16 सेकंड का खेल आना से। अगर पृथ्वीपाल को बाहर करते हैं तो टीम संकट की स्थिति में खड़ी हो सकती है, इस बात को भली भांति महेंद्र पाल जानते हैं। अगर पृथ्वीपाल रहते हैं, गलती हुई, कवर के खिलाड़ी जब अनमाने ढंग से है, इतने बड़े रेडर को आप रेड करेंट डिफेंस करने का प्रयास करेंगे तो इसका खमियाजा आपके टीम के लिए नुकसान हो सकता है। महेंद्र पाल लंबे कद के, ब्लॉक के पीएल सेलेक्टेड खिलाड़ी और जिला के पीएल सेलेक्टेड खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी के बीच में क्या दो की जुगलबंदी को तोड़ पाएंगे? महेंद्र में वो हनूर जज्बा है, और कॉर्नर में पिंटू, कवर में पृथ्वीपाल, लगातार स्ट्रगल में पीछे धकलने का प्रयास, लेकिन बिना लेकर वापस। हालांकि 4 और 2 की स्थिति है, 2 अंक से बढ़त बनाई हुई है। लगातार पृथ्वीपाल रेड में, और डिफेंस और ऑफेंस की लड़ाई चलती हुई। फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, और तमाम कबड्डी के चाहने पर रखने वाले, सभी कबड्डी के लुत्फ उठाने वाले कबड्डी प्रेमियों का वंदन अभिनंदन स्वागत। मंच में विराजमान सभी अतिथियों का पुनः एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नंदन। फिर चले जी छोटू, चैतराम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी कबड्डी के लंबे समय से सिंदरीपाली क्लब को सेवा देते हुए, और एक मैच विनर खिलाड़ी भी माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। और एक छोर से पृथ्वीपाल, मैदान सिंदरीपाली का इस मान में गरजना बरसना होगा, लोहा गरम तो आप गरम, क्योंकि सेकेंड हाफ में खेल, और महेंद्र पाल ने गलती की, आप कहर में खेलेंगे, और पृथ्वीपाल हमेशा कवर के खिलाड़ी को अटैक करते हैं। चैतराम गए हैं, डू ऑर डाई स्पेशलिस्ट, देखना होगा क्या 30 सेकंड के दायरे में आप स्ट्रगल कर सकते हैं, कुछ जोखिम उठाना होगा। और ललचाया, कॉर्नर के खिलाड़ी हड़बड़ी कर बैठे, और फर्स्ट आपका पहला। और पृथ्वीपाल एक समय घायल हो गए थे, लेकिन पूरा उनकी खून में उबाल, कबड्डी की चाहत है, प्रेम है, दीवानगी है, अपार लगाव, अटूट विश्वास है कि हम अपनी स्ट्रगल मेहनत से नौरा भाटक सर जमी में गलती किए, आप जब और बाहर किया गया, और फिर लोप कर रहे हैं, लोप में नाश होता है कभी कभी, लेकिन पृथ्वीपाल माइंड गेम खिलाड़ी है। चैतराम 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी के बीच में, हाउसफुल मैदान, बाहर नुमा मजमा,
और लीमा के मान में चंद्रपाली का जबाज रेडर देखना होगा। स्ट्रगल में कवर की खिलाड़ी को पीछे धकेला, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर को चहलकदमी करते हुए, अगर आप एक जगह सप्लिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर मौका मिल जाता है डिफेंडर को वहां पकड़ने का। प्रीतिपाल लगातार, अगर प्रीतिपाल टेकल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर लीमागढ़ के लिए संकट की स्थिति आ सकती है, लेकिन प्रीतिपाल को डिफेंस में ध्वस्त करा नहीं पा रहे हैं। दावा किया जा रहा था लेकिन कॉर्नर के इन खिलाड़ी को, और प्रीतिपाल को ऑल टाइम टेकल करने पर 100 रुपए का इनाम। आप लोग इनाम की रखते हैं लेकिन पैसा हमें हर पास जमा कर दिया करेंगे, कोई भी आते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है। भुवनेश्वर टेकाम जी की तरफ से, बाकी हम दावा हमको ठोकेंगे तो पता नहीं हम क्या करेंगे। अरणी गौटिया विनाश आदि नारायण मरारी के द्वारा विजेता को 400 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। गौटिया आदि नारायण मरारी के द्वारा विजेता टीम को 400 रुपए का अपने तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। फाइनल विनर को उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, और ऐसी मानव है कबड्डी को आगे बढ़ाने उत्साह ऊर्जा के लिए आते रहे प्रीतिपाल। 5 खिलाड़ी कौन साफ है इस बार देखना होगा। आप प्रीतिपाल को अकेले टेकल करेंगे तो निश्चित तौर पर टीम के नुकसान हो सकता है। सप्लिंग करो, प्रयास करो। कौन है इनके खिलाड़ी को बड़ी चतुराई से फिंगर चलाया और बड़ी खूबसूरती से वक्त कभी कभी ये टाइमर ऐसे गोपू की आवाज बजाते कि ऐसे लगते हैं। हालांकि ये रडार के लिए है, थर्ड रेंड इनसाइडर ट्रेंड। आप स्ट्रगल करो, आप प्रयास किया, थर्ड रेड एंड साइड रेड 30 सेकंड के दायरे में आपका बोनस सुरक्षित नहीं था, अन्यथा आप कोर्ट से बाहर नहीं जाते। और सुपर टेकर आ रहा इस बार, और चंद्रपाली गलती पे गलती करती हुई, अभी भी 2 मिनट 46 सेकंड का फर्स्ट हाफ का खेल आना से 10-3 की स्थिति बन चुकी है। लीमागढ़ 10 चंद्रपाली 3। और बड़ा मंच कौन बनेगा सरपंच, कबड्डी का सरताज बादशाह सरजमी थारा बाटा, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत, शुक्रगुजार, सादर साधुवाद, धन्यवाद। और इस बार देखना होगा गलती हुई और ऑल आउट के दालिज पे कम समय में चंद्रपाली आउट होना थोड़ी सी परेशानी का सबब बनते हुए 2 मिनट 17 सेकंड का फर्स्ट हाफ का खेल आना से, हालांकि फाइनल मुकाबला है, 10-10 की मैच खिलाया जा रहा है। अरणी गौटिया आदि नारायण मरावी के द्वारा विजेता को 400 रुपए का नगद पुरस्कार अलग से दिया जाएगा। फाइनल विनर को आक्रमण की धार महेंद्र पाल के हाथों में, मैदान लीमा बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में, और लगातार हर रेट प्रीतिपाल, लगातार रेट करना नहीं थकना, यही कबड्डी का अभ्यास होता है, नहीं तो ये एक रेड में ही आदमी हाँपने लग जाता है, क्योंकि इनकी नियमित अभ्यास का फायदेमंद मिलता हुआ, क्योंकि उनकी एक प्रमुख खिलाड़ी राजेश नहीं खेलना, वो भी फाइनल मुकाबले में, उनकी कमी नहीं खेलने दे रहा है प्रीतिपाल। महेंद्र को हर हाल में चलना होगा, चेहतराम को चलना होगा, दर्शक भी खामोश क्योंकि लोहा गर्म ही नहीं हो रहा है, 14-4 की स्थिति बना हुआ। फाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला, खिलाड़ियों में भी उतनी उत्साह जरूर जज्बा नहीं आता हुआ, लगातार हर रेट में प्रीतिपाल और दबंग खिलाड़ी माने जाते हैं। गलती हुई, कॉर्नर के खिलाड़ी बड़ी चतुराई भरी, वहां बोनस और ये डोडाई की रेड खतरे की घंटी, करो मरो की स्थिति। आप 30 सेकंड में लड़ाई लड़ना होगा, लेकिन समर्पण कहा जाए, आप खुद डैश बाहर हो गए पोडियम से, आपके पास मौका था।
अब प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ खके आए, कहाँ को लिखा है भैया, और रेड कर रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, अब खेल है। बड़े भैया रघुराज से होकेपुर हो छत्तीसगढ़ शासन सदस्य का पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे कबड्डी आयोजन के अध्यक्ष राजनारायण मरावी जी जाएंगे, आदरणीय रघुराज भैया का पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे और मैच चलता हुआ। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे आदरणीय रघुराज सिंह के पूर्व आयोग सदस्य छत्तीसगढ़ शासन को पुष्प गुच्छ स्वागत किया जा रहा है। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में दिलीप पटेल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा मंडल पाली, उनका स्वागत के लिए उपाध्यक्ष अक्षय यादव जाएंगे, पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे। आदरणीय दिलीप पटेल जी मंडल अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि ग्रुप में यदुराज राठौर हरदी बाजार उनके कोई भी चले जाएंगे। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि ग्रुप में विराजमान पप्पू राठौर हरदी बाजार, उनका स्वागत के लिए कबड्डी संचालक जीतू बरा भी जाएंगे और पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे पप्पू राठौर हरदी बाजार। सभी अतिथियों का एक बार मंच की ओर से, आयोजन समिति की ओर से, ग्राम की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आपने बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रतियोगिता में आए और हमें अपना बहुमूल्य समय दिए। आइए ले चलते हैं मैदान की ओर, आप सभी का स्वागत है। सेकंड हाफ का खेल चलता हुआ 18-5 की स्थिति, लीमागढ़ 18 सिमलीपाई 5, 7:48 का खेल आना से बाकी। कौन बनेगा बाजीगर देखना होगा, हालांकि बढ़त बना चुकी है लीमागढ़। साथ ही साथ जितने प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के देने वाले सजन निधनदाता सभी उपस्थित रहेंगे। और प्रथम पुरस्कार सम्मानी रघुराज उइकेन दिलीप पटेल के सजन निष्ठा नगद पुरस्कार दिया जाएगा और द्वितीय पुरस्कार सम्मानी के मुखिया सरपंच बंजराम जगत सरपंच ग्राम पंचायत धौरा भाटा की ओर से 7,000 पुरस्कार दिया जाएगा। सम्मानी विधायक महोदय प्रोफेसर हीरा सिंह मरकाम थाना खार क्षेत्र विधायक 3,000, 5,000 और चतुर्थ पुरस्कार 3,000 प्रहलाद जगत किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बड़वाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। सभी सामने में उपस्थिति प्रदान करेंगे और मैच चलता हुआ। वार पे है चंद्रपाली, प्रहार पे है पृथ्वीपाल लीमा, देखना होगा 7 खिलाड़ी का हुजूम मजमा पहाड़ लुमा तोड़ पाएंगे क्या। निश्चित तौर पे कानर के खिलाड़ी का पीछे धकेला और उन्हें प्रहार किया और मिलेगा। और इस बार प्रहार पे है भेंद्रपाल, इधर भी 7 खिलाड़ी का हुजूम मजमा, क्या इस किलो की भेद पाएगी। निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा, हालांकि समय आहिस्ता गुजरता जा रहा है। 5:51 का खेल आना से बाहर किया गया। इस बार 8 नंबर जैसी में लंबे गति खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ी, एक लीमा की खोज। लगातार पहला हाफ सेकंड हाफ में बढ़त बनाई हुई है और अपनी जगह को सुनिश्चित करते हुए जीत की सेहरा करती हुई लीमागढ़। सिंगरीपाली को भी संयम सूझबूझ और टेक्निक का प्रदर्शन करना होगा। कबड्डी ताकत दिमाग माइंड और टेक्निक का खेल, इस बार देखना होगा गेस किया गया क्या लाजवाब शानदार जा।
लेकिन रेडर बाहर जाएंगे और एक कैचर बाहर जाएंगे, फिर चले जाएंगे। बड़ी खूबसूरती से झुरम उठता है और इस संगठित टीम मैनेजमेंट की यही ताकत, अन्यथा निश्चित तौर पर वहां पर डिफेंस को ध्वस्त करते हुए सेंटर लाइन करीब पहुंच जाती है। पृथ्वीपाल सुरक्षित करते हुए जानते हैं कि उनकी टीम बढ़त बना चुकी, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मैच नहीं खेलना है, अपने अपने घर जाना है और सुरक्षित अपनी जगह सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। और कांडा रीन के खिलाड़ी को पैर चलायमान किया क्योंकि जब पृथ्वीपाल जैसे दबंग खिलाड़ी है तो थोड़ी सी कवर की खिलाड़ी को दिक्कत होती है। फिर चले चंद्रीपाली के चार नंबर जैसे बने हुए, देखना होगा पांच खिलाड़ी के बीच में, हालांकि बोनस आप है, क्या इस बार इतने डीप में जाकर आप कहो इनके पास फुटवर्क को वही चलायमान करेंगे, उनके पास रूम मिलेगा और पंजे से जकड़ने का, आप बोनस भी नहीं कर पाए, अटैम्प्ट भी नहीं किया और सफलिंग मिला कर्नर इनके खिलाड़ी को। फिर चले और इधर भी पांच खिलाड़ी के बीच में, क्या इस बार डिफेंस चलता है या ऑफेंस चलता है, देखना होगा। गलती हुई, गलती पे गलती, 28-8 की स्थिति बनी हुई है, फाइनल मुकाबला है लेकिन थोड़ा सा आक्रामकता उधार नजर नहीं आ रही है आपके आक्रमण में। मुकेश आया दो नंबर जैसे में और इस बार तीस आठ की स्थिति बन चुकी है, 2:40 का खेल आना शेष, एक तरह से कहा जाए ड्राइविंग सीट पे लिमागढ़ बैठती हुई, एक औपचारिकता कहा जाएगी, हालांकि कबड्डी भी रिश्ताओं का खेल है क्रिकेट की तरह, कब कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव में नजर आ रही है चंद्रीपाली और 31-8 की स्थिति में। आपको अपनी मन में जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर है उसको हटाना होगा, लेकिन समय आहिस्ता आहिस्ता खसकता जा रहा हो आपकी झोली से। पृथ्वीपाल इस बार कॉर्नर में, समझ नहीं पाए महेंद्र पाल, पृथ्वीपाल के पास लंबे टाइम से आप रूम बना के देंगे पैर, तो निश्चित तौर पर उनको मूवमेंट मिलेगा पकड़ने के लिए। अंतिम क्षण में टाइम 27 पॉइंट से बढ़त बनाई हुई है लिमा, और इसी को कहा जाता है गरीबी में आटा गीला। भाई आप 35 पॉइंट है और उसके बावजूद भी आप कंजूसी करेंगे समय, एक पॉइंट और लिमा को मिल गया टेक्निकल पॉइंट, लेकिन इस बार पिंटू को बाहर डेस किया गया अंतिम छोड़ों में। इस बार इस प्रतियोगिता में पता नहीं नीमा के सभी खिलाड़ी चोटिल हो रहा है, लेकिन इनाम तो लेके जाएंगे भाई, कोई बात नहीं होता है। तो चले चंद्रीपाली के जवाब होडर, अब पृथ्वीपाल हर फन मौला, चाहे रेड में हो या डिफेंड में हो, जलवा बिखेरते हुए लगातार, लेना तो मेहमान खिलाड़ी है, और एक तरफा मैच होता हुआ 38-9 की स्थिति बनती हुई, 9-4 36-2 38। कुछ चंद सेकंड का खेल आना शेष और नीमा के झोली में मैच जाता हुआ, हालांकि बड़ा मुकाबला था लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिला, क्योंकि कभी कभी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक प्रेशर होती है दिमाग में, और इस प्रेशर को हटाना होगा। गेस किया गया बाहर, लेकिन डिफेंडर आउट करा दिया गया, रेडर से सुरक्षित, इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है बताइए, जीत हार तो खेल के खिस्से है, हम तो है लिमा ने लेकिन दिल जीता है चंद्रीपाली ने, दोनों टीम को बधाई शुभकामनाएं।